हुए हैं। देखिए ऐसा है कि पूरा शहर जानता है कि हम लोग एक तंजीम चलाते हैं मलक फाउंडेशन, जो विशेषकर अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर काम करती है। इस दौरान अपने लोगों को राजनीतिक मंच के माध्यम से अपने लोगों की आवाज़ बनने के लिए हम हाल ही में पिछले एक वर्ष पहले कांग्रेस के अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष बनाए गए थे, और इसी संदर्भ में हम आज प्रेस वार्ता बुलाए हैं कि कल हमारी नेता आदरणीय परम सम्मानीय प्रियंका जी महोबा आ रही हैं, और मेरे ख्याल से बहुत अरसे बाद पहली बार वो महोबा आ रही हैं। और पिछले दिनों अगर आपने देखा हो, राजनीतिक गतिरोध बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, देश की सियासत में, खासतौर से अल्पसंख्यकों को लेकर बड़े कड़े कानून पारित किए गए, लेकिन उन कानूनों के खिलाफ किसी भी सेकुलर दल ने खुल के वकालत नहीं की, खुल के विरोध नहीं किया। सिंगल ऐसी प्रियंका गांधी थी जिन्होंने पूरे देश में, चाहे वो NRC का मामला रहा हो, चाहे मॉब लिंचिंग का मामला रहा हो, हमेशा मुसलमानों के हक और हुकूक की बात की। लिहाजा हम आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से महोबा शहर के तमाम मुअज्जिज मुसलमानों से अपील करते हैं कि कल वो भारी तादाद में ग्राउंड में परिसर में पहुंचकर माननीय प्रियंका गांधी जी को सुने और उनको जो है अपना जनमत समर्थन जो है प्रदर्शन करें, ताकि उनको लगे कि अगर हमने मुसलमानों की वकालत की है तो मुसलमान हमारे आज साथ खड़ा है। एक ऐतिहासिक रैली जो है ये बुंदेलखंड इलाके में कांग्रेस की होगी। जिस प्रकार से बनारस में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में प्रियंका जी की एक विशाल रैली हुई थी, प्रतिज्ञा रैली, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के गृह जिले गोरखपुर में रैली हुई थी, उसके बाद ये तीसरी बड़ी रैली जो है जो महोबा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित की गई है, और लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग, आसपास के सारे हमारे लोग यहाँ पे आएंगे। बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह है, खासकर जो प्रतिज्ञाओं की जो घोषणा प्रियंका गांधी जी के द्वारा जो की गई है, उसके वजह से किसानों में, महिलाओं में, बेरोजगार साथियों में, नौजवानों में जो है एक उत्साह है, और एक उम्मीद के रूप में प्रियंका गांधी जी को देख रहे हैं कि उनके आने से उत्तर प्रदेश में एक परिवर्तन होगा और उनके नेतृत्व में जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या रोड मैप है और कितनी भीड़ यहाँ जुटेगी? चूंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, कितनी भीड़ जुटाने की उम्मीद है, क्या रोड मैप है? देखिए, 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे, क्योंकि गांव-गांव में जिस प्रकार से लोगों की बैठकें हो रही है, जो आना चाह रहे हैं, जो हमारे पास जो खबरें आ रही है, और एक तो चूंकि हम लोग विपक्ष में हैं, 32 साल से हमारी सरकार नहीं है, तो सीमित साधन है, तो हम उसकी पूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वस्फूर्त लोग जो हैं अपने गाड़ियों में जो है, डग्गे में, टेम्पो में, ट्रैक्टर में, ऑटो में, स्वस्फूर्त जो है यहाँ पे आ रहे हैं। तो हमें जिस प्रकार से उम्मीद है, महोबा ज़िले के अलावा जो हमारे 7-8 ज़िले के और जो बुंदेलखंड के जो हैं, तो वो लोग यहाँ पे आएंगे, और जो मोदी जी की जो सभा जो हुई है उससे बड़ी सभा होगी।